अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिसको कॉमनली हम यूटीआईज़ कहते हैं। यूटीआईज़ बेसिकली आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का यानी यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में जो भी कोई भी पार्ट अगर इन्फेक्टेड होता है तो उसको यूटीआई कहते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? आपकी किडनी, आपका ब्लैडर, यूरेटर, यूरिथ्रास, एनी पार्ट दैट कैन गेट इन्फेक्टेड कॉज यूटीआई। इफ यू आर अ वुमन देन यू डेफिनेटली हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग इट, वाइल मेन में वन इन एवरी 10 मेन जो है उसमें ये यूटीआई डेवलप होता है। उसके अलावा यूटीआईज के रिकरेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जाता है, जिसको क्रोनिक यूटीआई कहते हैं, कि इट रिकरेंटली हैपन अगेन एंड अगेन। इफ़ यू टॉक अबाउट इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स में सबसे पहले तो देयर इज़ एन इंटेंस अर्ज टू यूरिनेट अगेन एंड अगेन, इवन इफ यू इफ़ द यूरिनेशन यानी बहुत ज़्यादा ना हो तब भी जो है वो एक अर्ज रहता है। उसके अलावा क्लाउडी, ब्लडी, डार्क जो है वो यूरिन होता है, उसकी स्मेल स्ट्रेंज होती है, देन देयर इज़ अ बर्निंग सेंसेशन वाइल यू आर डूइंग इट। उसके अलावा इफ़ इट रीचेज, स्पेशली इफ़ इट रीचेज योर किडनीज, अदरवाइज भी इन्फेक्शन में जो आपके नॉर्मल साइंस होते हैं, फीवर्स, chills, weakness, ये भी जो है वो develop हो सकते हैं। उसके अलावा lower abdomen जो है उसमें pain जो है वो भी commonly देखा जाता है। Like I said earlier कि UTIs जो है वो आपके किसी भी part पे affect हो सकता है urinary tract के, तो इसी तरह से UTIs differ करते हैं। Like for example if your bladder has been जो है affected तो उसको वो different होता है। Like उसमें आपके जो अगर आपका bladder affected होता है तो आपके पास जो जैसे मैंने कहा एक urge होती है again and again to urinate, तो वो commonly देखी जाती है, और lower belly pain जो है वो commonly होता है। kidneys में अगर होता है तो अगर infection आपके kidneys में होता है तो pain, vomiting, nausea, fevers, chills, ये सब बहुत commonly देखे जाते हैं। urethritis जो आपका होता है जो कि urethra में होता है, तो उसमें there is a discharge while you urinate and there is a burning sensation and pain होता है when you urinate, तो that is आपके different type के जो UTIs होते हैं। causes क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द क्लीनिनेस, बिकॉज एक बैक्टीरिया होता है जिसको ई कोलाई कहा जाता है, दैट इज बेसिकली प्रेजेंट इन योर लार्ज इंटेस्टाइन, और वो व्हेन इट कम्स आउट एंड इट एंटर्स योर यूरेथ्रा, और फिर वो यूरेथ्रा से आपके ब्लैडर पे पहुंचता है, तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एंड इफ़ इट डज नॉट गेट ट्रीटेड ऑन टाइम तो देन इट मे ऑल्सो रीच योर किडनीज, और फिर ये बढ़ सकता है ये इन्फेक्शन। उसके अलावा ये जेनेटिक भी होता है, जेनेटिकली यू मे गेट यूटीआईज फ्रॉम द जीन्स एज वेल। देन देयर आर सर्टेन केसेज जिसमें वुमेन विद डायबिटीज़ जो हैं उनमें यूटीआईज बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, बिकॉज दे हैव लो इम्यूनिटी। हार्मोनल चेंजेस स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी चीज़ जो है वो प्रेगनेंसी में भी यूटीआईज बहुत कॉमन होते हैं because of the hormonal changes. Multiple sclerosis एक बहुत common इसका cause होता है, kidney stones, stroke या spinal cord injury जो है उससे भी UTIs जो है वो देखने में आते हैं। Diagnosis की अगर हम बात करें तो simple इसकी जो है वो urine, DR, urine culture जो है उससे diagnose किया जाता है, but to get a clear look या अगर further investigation करनी हो तो ultrasounds भी इसमें किए जाते हैं। ट्रीटमेंट यूटीआईज़ की आपकी बहुत कॉमन होती है, एंटीबायोटिक्स आर गिवन इन एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, और यू नीड टू मेक श्योर कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग एन एंटीबायोटिक यू नीड टू कंप्लीट द कोर्स। इफ़ यू फील बेटर जस्ट आफ्टर टू डेज तो डजंट मीन कि आप उसको स्टॉप कर देंगे, यू नीड टू टेक इट फॉर 3 days, 5 days, 7 days, और यू नो वट एवर डेज जो आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं आपको उन दिनों के लिए वो मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, उसका कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। उसके अलावा हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है टू फ्लश आउट द बैक्टीरिया। उसके अलावा क्रैनबेरी जूस जो है वो बहुत ज़्यादा, क्रैनमैक्स जो आपका होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिकमेंड किया जाता है, प्रमोट किया जाता है टू प्रिवेंट दिस, ऑल दो उस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ जो है वो नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवन नहीं है कि इट हेल्प्स इन यूटीआईज एनी वे, बट इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपके अगर हम बात करें कि अदर इसको अवॉइड करने के लिए एक्सपर्ट्स हैव बीन वर्किंग ऑन सर्टेन वैक्सीन्स, या आपकी जो हार्मोनल जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, तो उनमें जो है वो कुछ जो है वो ट्रीटमेंट्स कंसिडर की जा रही हैं जो आगे इसको अवॉइड कर सके। क्रॉनिक यूटीआईज़ की मैंने बात की थी, क्रॉनिक यूटीआईज़ जो है वो रिकरेंस होती है कि व्हेन यू गेट यूटीआई इन कभी भी आपको यूटीआई होता है तो देयर आर चांसेस कि यू मे गेट इट अगेन एंड अगेन, और वही बात है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डू टू प्रिवेंट दिस। लाइक मैंने कहा कि आप जो है वो अपनी क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जिसकी वजह से जो है ये फर्दर यूटीआईज़ अगेन एंड अगेन जो है वो रिकरेंट
ना हो. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. ब्रीफ सी डिस्कशन थी यूटीआईज की. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है आपका तो हमसे पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.